हेलो दोस्तों, मैं सुबह आप सबका स्वागत करता हूँ ऑलटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 10 सबसे डरावने पीसी गेम्स के बारे में, जिसको आपको ज़रूर से प्ले करना चाहिए। और अगर आपको गेम पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारे जो पहले नंबर पर गेम आता है रेसिडेंट इविल की सीरीज है, जिसमें आपको कमाल कमाल की जॉम्बीज देखने को मिलते हैं, आपको ग्राफिक्स क्वालिटी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है, चाहे वो रेसिडेंट इविल सीरीज़ की पहला पार्ट हो या दूसरा या फिर पूरा का पूरा सातों पार्ट्स हो। इसमें आपको डरावनी लोकेशन, भयंकर जॉम्बीज देखने को मिल जाते हैं। आप लोग अपने वेपन्स का यूज़ करके इनसे फाइट करते हैं, आपको एक कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सेकेंड गेम की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट गेम निकल के आता है आउटलास्ट की सीरीज़। दोस्तों आउटलास्ट की ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही भयंकर और डरावनी सीरीज़ है। इसमें आपको दो गेम्स देखने को मिल जाते हैं, आउटलास्ट 1 और आउटलास्ट 2। दोनों ही गेम में आपको भयानक स्टोरी दी जाती है, खतरनाक कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। आप लोग एक आइलैंड में फंस जाते हैं, आपको बहुत सारे वियर्ड चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेसिडेंट इविल में तो आप लोगों को जॉम्बीज देखने को मिलते थे, इसमें तो आपको पता नहीं कैसे कैसे भूत देखने को मिलते हैं। आउटलास्ट की गेम को लेके एक फैक्ट ये भी है कि बहुत सारे गेमर्स और स्ट्रीमर्स इस गेम को शापित बताते हैं। जो भी लोग इस गेम को प्ले करते हैं उन लोगों को कुछ वियर्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है। अगर फिर भी आप इस गेम को ट्राई करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे ट्राई कीजिएगा। खैर अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं थर्ड गेम की। दोस्तों हमारा अगला गेम निकल के आता है एलियन आइसोलेशन। अब सोचिए कि आप किसी ऐसे शिप में बंद हो जाए जहाँ ऐसे ऐसे एलियन हो जिनके पास पावर्स, और वो उन्हीं पावर्स का यूज़ करके आपको मारने की कोशिश करे, और आप उनसे कैसे बचते हैं ये सारा कुछ इस गेम में दिखाया गया है। आपको उनसे छिपते छिपते लेवल्स को कंप्लीट करना है, पूरी स्टोरी को कंप्लीट करना होगा। आप ये सब कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ गेम की, जो निकल के आता है मैन ऑफ मैदान। इस गेम में आप अलग अलग कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे, मतलब कि इसमें अलग अलग स्टोरी दिखाई जाएगी। आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस रखे जाएंगे, आप उनमें से जो भी ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे उसी ऑप्शन के आधार पर आपकी स्टोरी आगे आगे बढ़ती जाएगी। इस गेम में अलग अलग मोड आने वाले हैं, आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वैसे ये गेम आपको आगे ले के जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपने आने वाले फिफ्थ गेम की, जो निकल के आता है पैसिफाई। दोस्तों पैसिफाई एक ऐसा गेम है जो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, क्योंकि इस गेम में आपको मल्टीप्लेयर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। आप जानते हैं किसी भी गेम को अगर अपने दोस्तों के साथ प्ले किया जाए तो फन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। शायद यही रीज़न है इस गेम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। एक्चुअली इस गेम में आपको बुरी डॉल्स को पकड़ना होगा और उन बुरी डॉल्स को पकड़ के जलाना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर अपने दोस्तों के साथ भी बुरी डॉल्स को पकड़ने की कोशिश करती है जो चुड़ैल है वो आप लोगों के पीछे पड़ जाती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे सीरीज़ के सिक्स्थ गेम की, जो निकल के आता है द इविल विथिन सीरीज़। यानी कि आप ट्राई कर सकते हैं द इविल विथिन 1 या फिर द इविल विथिन 2। दोनों ही गेम में आपको बहुत ज़्यादा डरावना माहौल देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ भयानक जॉम्बीज देखने को मिल जाएंगे। आपको छुपते छुपते स्टोरी को कंप्लीट करना होगा, और आगे अगर आपके सामने जॉम्बीज आ गए तो आपको उनको मार गिराना होगा। तो दोस्तों आप चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ भी गेम के एंजॉय करना, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा जो सेवंथ गेम है वो इसी चीज़ के लिए है। यानी कि हमारा जो सेवंथ गेम निकल के आता है लेफ्ट फॉर डेड। दोस्तों आप लेफ्ट फॉर डेड या 1 या फिर लेफ्ट फॉर डेड 2 ट्राई कर सकते हैं। आप दोनों ही गेम में सिंगल प्लेयर स्टोरी में अपने दोस्तों के साथ प्ले कर पाएंगे, और वहाँ आपको जॉम्बीज के सामना होगा और आप नए नए लोकेशंस में जाते हैं। और एक साथ दोस्तों चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारे एट्थ गेम निकल के आता है डाइंग लाइट। अब डाइंग लाइट एक ऐसा गेम है जहां आपको पार्कर देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर सकते हैं, नए नए लोकेशंस में जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गेम में आपको ब्यूटीफुल स्टोरी दिखाई जाएगी, आप नए नए कैरेक्टर से मिलेंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे, बाद में वही लोग आपके सामने मरेंगे।
आपको इसमें डरावना डरावनी जॉम्बीज देखने को मिल जाएंगे, कमाल के एक्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों वक्त आ गया है सेकंड लास्ट गेम की, जो निकल के आता है वॉकिंग डेड की सीरीज़। वॉकिंग डेड एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ है जो कि टेलटेल की तरफ से आती है, और पूरी की पूरी सीरीज़ में आपका सामना होने वाला है जॉम्बीज से। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सीरीज़ जानी जाती है अपनी बेहतरीन स्टोरी के लिए। इस सीरीज़ में आपको A1 क्वालिटी की स्टोरी देखने को मिल जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो एक बार इस सीरीज़ को ट्राई कीजिएगा, तब आपको डर भी लगेगा और कई बार आप इमोशनल भी होंगे और आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट गेम की, जो निकल के आता है अनटिल डाउन। अब ये गेम भी आपको बहुत डरावना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जहां आप कंट्रोल करने वाले हैं एक यंगस्टर को। वो ट्रेवल के लिए जाती है एक बहुत भयानक जगह की, उनको बाद में पता चलता है कि ये जगह पैरानॉर्मल भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाती है, डरावने चीज़ें देखने को मिल जाती है। आपको प्ले करने होंगे उन सभी कैरेक्टर्स को, और आपको अपने डिसीजन संभाल के लेने होंगे जिससे आप सभी के सभी कैरेक्टर्स को बचाए रखें। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि कितने कैरेक्टर्स बचते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और अगर हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि आपको इसी तरह की कमाल की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।